नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं भोपाल के ओमकारेश्वर मंदिर की विशेषताएं। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रम नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम दृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ है, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 करोड़ देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा दो ज्योति स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से दो ज्योतिर्लिंग विराजमान है, एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओमकारेश्वर में ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। आइए जानते हैं ओमकारेश्वर मंदिर की मान्यता। देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मृतिका के 18 सहस्त्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता है। ओमकारेश्वर नगरी का मूल नाम मानधाता है। ओमकारेश्वर मंदिर की यह एक कथा भी है, जहां राजा मान्यधाता ने यहां नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी आप ओमकार मान्यधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम दृष्टिकर्ता ओम विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता की कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं ओमकारेश्वर मंदिर का इतिहास। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपने जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी में शामिल है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा गया है। नदी कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं।
धनतेरस पूजन पर इस मंदिर में प्रतिवर्ष दिवाली की बारस की रात को ज्वार चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस रात्रि को जागरण होता है तथा धनतेरस की सुबह 4 बजे से अभिषेक पूजन होता है। इसके पश्चात कुबेर महालक्ष्मी का महायज्ञ हवन कई हवन भंडारा होता है। लक्ष्मी वृद्धि पैकेट वितरण होता है जिसे घर पर ले जाकर दीपावली की अमावस्या को विधि अनुसार धन रखने की जगह पर रखना होता है जिससे घर में प्रचुर धन के साथ सुख शांति आती है। इस अवसर पर हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं। वह कुबेर का भंडार प्राप्त कर प्रचुर धन के साथ सुख शांति पाते हैं। नवनिर्मित मंदिर प्राचीन मंदिर ओंकारेश्वर बांध में जलमग्न हो जाने के कारण भक्त श्री चैतराम चौधरी ग्राम कातोरा के कथन प्रयास से नवीन मंदिर का निर्माण बांध के व ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बीच नर्मदा जी के किनारे 2006 से 2007 बनाया गया है। आइए जानते हैं ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन। नर्मदा किनारे जो बस्ती है उसे विष्णुपुरी कहते हैं। यहाँ नर्मदा जी पर पक्का घाट है। सेतु द्वारा नर्मदा जी को पार करके यात्री मंधाता द्वीप में पहुँचता है और भी पक्का घाट है। यहाँ घाट के पास नर्मदा जी में कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यही स्नान करके यात्री सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मंदिर तट पर ही कुछ ऊंचाई पर है। मंदिर के आहित में पंचमुख गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम तल पर ओंकारेश्वर लिंग विराजमान है। श्री ओंकारेश्वर का लिंग अनगढ़ है। यह लिंग मंदिर के ठीक शिखर के नीचे न होकर एक और हटकर है। लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा है, ऐसा लगता है जैसे गुफा में जा रहे हो। पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। ओंकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। यह लिंग शिखर के नीचे है। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग है, यह भी शिखर के नीचे है। चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर लिंग है। पांचवी मंजिल पर ब्रजेश्वर लिंग है।
तो यह थी ओमकारेश्वर मंदिर की तथ्य। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।